Find the equation of a line with gradient 1, gradient matlab slope, such that the two circles, this and this, intercept equal length on it. ठीक है, ये दोनों सर्कल में इक्वल लेंथ बनाएगा. देखो स्लोप 1 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, स्लोप 1 है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y इक्वल टू एम एक्स, एम का वैल्यू 1 है ना, ग्रेडियंट 1 है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा. ये लाइन का इक्वेशन हो गया, इसको लिखते हैं जनरल फॉर्म में, तो x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लाइन का इक्वेशन हो गया. अब ये जो लाइन है ये दोनों सर्कल में इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बना रहा है ना, तो ये दो सर्कल हम बना देते हैं. ये सर्कल है जिसका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, और ये दूसरा सर्कल बना लेते हैं जिसका इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फोर्टीन वाई प्लस सिक्सटी फाइव इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये जो लाइन है ये दोनों सर्कल में इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा. तो हम चलो लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे अज्यूम कर लिए कि ये कोई लाइन होगा. ठीक है, और दोनों में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बना रहा है. जब दोनों में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बना रहा है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. जब लेंथ इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा. तो ये दोनों में, अच्छा यहाँ से भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हाफ इक्वल होगा. क्योंकि देखो ये अगर ए बी है, ठीक है, और ये अगर सी डी है, और ए बी का लेंथ इक्वल टू सी डी का लेंथ है, ठीक है, तो उसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा. तो ए एम इक्वल टू सी एन होगा. तो अब ए एम फाइंड करेंगे इस सर्कल में, तो ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा रेडियस, और सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये लेंथ मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा. तो यहाँ से ए एम का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर और रेडियस देखते हैं. इस सर्कल का सेंटर होगा जीरो जीरो ओरिजिन, और इसका रेडियस हो जाएगा टू. ओके, इस सर्कल का सेंटर रेडियस देखते हैं कितना आता है. तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा 5.7, और रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो रेडियस हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और माइनस सी मतलब माइनस 65. ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 74 माइनस 65, तो 9, रूट अंडर 9 तो 3 हो गया. तो इसका रेडियस हो गया 3. तो हम लोग अब ए एम का वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, तो ए एम का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें ये परपेंडिकुलर होता है ना, मिड पॉइंट का ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए यहाँ से ए एम का स्क्वायर इक्वल टू होगा रेडियस का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर. पहले हम ओ एम फाइंड कर देते हैं. ओ एम क्या है, सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ओरिजिन, तो ओ एम हो जाएगा सी बाई रूट टू. ठीक है, और अब देखो ओ एन यहाँ पे ओ डैश फाइंड कर लिख लेते हैं, तो ओ डैश एन कितना होगा लिख लेते हैं. ओ डैश एन मतलब इस 5.7 सेंटर से इस कॉर्ड पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा ओ डैश एन, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7 प्लस सी का मॉड बाई रूट टू. ठीक है, ये हो जाएगा ओ डैश एन, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी माइनस टू बाई रूट टू, ये हो जाएगा ओ डैश एन. अब सारा वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर. ओ ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस ओ एम, और ओ एम यहाँ लिख चुके हैं ना, ठीक है, ये मॉड है, तो ओ एम का स्क्वायर कितना होगा सी स्क्वायर बाई टू. ठीक है, ये हो गया ए एम का स्क्वायर. अब हम लोग फाइंड करते हैं इस सर्कल में सी एन का स्क्वायर, तो सी एन का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ डैश सी का स्क्वायर माइनस ओ डैश एन का स्क्वायर. ठीक है, ये होगा. तो अब देखो ओ डैश सी कितना है, ओ डैश सी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ओ डैश एन यहाँ फाइंड कर चुके हैं हम, है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में हो जाएगा 2 बाई रूट 2 है. अब देखो जब ए एम और सी एन इक्वल है तो ए एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड है, तो ये दोनों को हम इक्वल कर देते हैं. तो ये दोनों को इक्वल करेंगे तो 4 माइनस सी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू होगा 9 माइनस सी माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये होगा. तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये सी माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इधर आ जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस 4 सी प्लस 4 बाई 2 माइनस और सी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4 मतलब 5.
ठीक है यहाँ तक। अब दोनों का बेस 2 है, दोनों का नीचे में 2 है, तो अब देखो ऊपर में ऐड हो जाएगा, बस 2 एलसीएम ले लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस 4c प्लस 4 बचेगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 5 होगा। तो माइनस 4c प्लस 4 इक्वल टू 10, तो माइनस 4c इक्वल टू 6, तो यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3/2। ठीक है, तो c का वैल्यू जो -3/2 है, तो c का वैल्यू हम रख देंगे इस लाइन में, तो कॉर्ड का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, c का वैल्यू रख देंगे तो x माइनस वाई प्लस सी है ना, तो x माइनस वाई प्लस सी मतलब -3/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया उस लाइन का इक्वेशन जो दोनों सर्कल में इक्वल लेंथ और इंटरसेप्ट बना रहा है। ओके।